हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। मेरा नाम है फावाद, मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो आपके लिए ट्रेलर लेकर आया हूँ वह बॉलीवुड की नई आने वाली मूवी फ्राइडे, FRYDAY फ्राइडे। काफ़ी यूनिक और थोड़ा हिलेरियस टाइटल है मूवी का, मगर सबसे बेस्ट थिंग ऑफ दिस मूवी इज़ गोविंदा, द गोविंदा लेजेंड। काफ़ी अर्से के बाद वापस आए हैं हिंदी सिनेमा में। आई ऑलवेज बीन फैन ऑफ हिम, कॉमिक टाइमिंग, आई थिंक नो वन कैन बीट हिम, नो वन इन द बॉलीवुड कैन बीट हिम ऑन हिज कॉमेडी टाइमिंग, और जो उनके एक्सप्रेशन है और डांस एंड एवरीथिंग, ही ऑलवेज ब्रिलियंट। साथ में उनके हैं वरुण शर्मा, ही इज़ अनदर, आई थिंक अभी थोड़ा सा अर्सा हुआ है उनको इस मूवी इंडस्ट्री में, लेकिन वह अपने हर कैरेक्टर के साथ छाप छोड़ते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों पहले ट्रेलर देखते हैं कि फ्राइडे में क्या फ्राई हो रहा है। डेफिनेटली आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम इट, सो लेट्स सी। आज खुश तो बहुत हो गया, जो इंसान दो साल से आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़चढ़ा रहा है, आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है, आज भी वो वही खड़ा है। मैंने देखा है उस फिल्म में कि बच्चन साहब आपके पापा जी के सामने खड़े होकर ऐसी बात कर रहे थे और उन्होंने उनको महानायक बना दिया था। सारी जिंदगी में एक प्योरीफायर पे टिकी हुई है, ये बिका तो मैं टिका, नहीं तो इन्हें भी ना टिका। हमारे रहते तुम अनारकली से इश्क नहीं कर सकते। फाइन, आप कर लीजिए। अल्लाह अक्कू सेकू, क्या सेकू सेकू, आपकी सुनू या अपनी आंखें सेकू। और मेरा गगन तो दुनिया में सबसे अलग है। कौन है भाई? लेट्स पेरी पेना। लेट्स पेरी पेना, पाँव का एड्रेस भूल गया है? या तो तू नीचे झुक ले तो मैं पाँव ऊपर ले आता हूँ। अबे और तेरे ब्रदर इन लॉ की लगाने के लिए कह रही हो, ये फ्री फायर लगाने के लिए ठहर जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? टोपी बनाने और झूठ बोलने का आपको ऑस्कर मिलना चाहिए यार, पहले नेशनल तो मिल जाए। जी गलत बात है ना, आप एक नौकर के सामने मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? अबे कबाब में हड्डी छेद वाली छड्डी, तू आया तब से मैं तेरी इंसल्ट ही कर रहा हूँ, तेरे आप समझ में आ रहा है? जीजू आपका ना जमीर मर गया है। तेरा जिंदा? हाँ ले तुम, मार ले। सांस चेक कर। आई डोंट थिंक ही इज ब्रीदिंग। तो मुंह से सांस दे। कैसी बातें कर रहे हो? आपने इसका मुंह देखा है, गुटखा खाता है। इफ यू डोंट माइंड तो दे सकते हैं खाकन। और आई जस्ट लव द ट्रेलर। आई थिंक गोविंदा और वरुण शर्मा बॉक्स ऑफिस पे धमाल करने वाले हैं इस कॉमेडी साथ, तो चीची एंड चूचा विल रॉक द बॉक्स ऑफिस। कमाल की जोड़ी मिली है बॉलीवुड को और कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त मिला है। अभिषेक डोगरा जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, लुक्स क्वाइट फनी, वेरी फनी एक्चुअली। आई थिंक सिंपल सी अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी है कि दोनों किसी ना किसी आई थिंक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स से कैसे निकला जाता है, तो एक ही लोकेशन में आई थिंक ज़्यादातर घर के अंदर ही कॉमेडी है। आई थिंक सीन्स में ज़्यादातर फरमाए गए हैं, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी ऐसी ही होती है यूजली। ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड आई थिंक डायलॉग्स गोविंदा, आई थिंक इज ऑलवेज फ्लॉलेस विद द कॉमेडी एंड हिज टाइमिंग एंड एक्सप्रेशन एंड डांसिंग।
जितना भी उनके बारे में बात करें वो कम ही है. तो काफ़ी अर्से के बाद आई थिंक इज़ बैक इन फॉर्म, लुक्स लाइक ही इज़ इन फॉर्म एक्चुअली, प्रॉपर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म दिया है इन ट्रेलर में. वरुण शर्मा एज ही इज़ वेरी नेचुरल, आई थिंक वो ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, या तो वो है ही ऐसे या मे बी आई थिंक ही एक्ट्स लाइक दैट, बट आई थिंक ही इज़ अ क्वाइट क्वाइट लाइकेबल पर्सन इन द मूवी. So quite deadly combination, and I hope this combination will work on the box office. Govinda desperately need a big hit. Unki comeback movie keh sakte hain after 2-3 maybe 4 years ke baad. Ek dialogue mujhe thoda sa mujhe udaas kar gaya. इन अ सेंस के जब उनको बोलते हैं कि इस परफॉर्मेंस में तो आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, कहते हैं पहले नेशनल अवार्ड तो मिल जाए. तो इतना बड़ा एक्टर काफ़ी अर्से से काम कर रहा है और इंटरटेन कर रहा है ऑलमोस्ट बॉलीवुड की फिल्में जो भी देखते हैं उन सबको. इतना बड़ा एक्टर है तो लोगों को काफ़ी महसूस कर रहा है अपनी एक्टिंग स्किल्स है, कॉमेडीज है. सो आई थिंक ही डिजर्व्स एटलीस्ट अ नेशनल अवार्ड. आई होप इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर करेंगे उनको दिस ईयर नेक्स्ट ईयर फॉर द अवार्ड और एनीथिंग. एटलीस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो मिलना चाहिए जो स्टारडस्ट में और यूजली अदर अवार्ड्स में दिया जाता है. तो आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज एंड अवार्ड्स एनीवे. अब तक के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ये ट्रेलर पसंद आया हो तो डेफिनेटली आई थिंक मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह ही लगा ये ट्रेलर और मेरा वीडियो. मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए. अब तक के लिए इतना ही. अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. स्टे सेफ, गुड बाय.